नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। मैं हूँ शेफ गिरीश दुबे और आज की रेसिपी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। उससे पहले कि आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज की रेसिपी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में हम ग्रीन चटनी की। तो चलिए हम देखें ग्रीन चटनी के लिए क्या क्या लगेगा। कोरिएंडर, मिंट, पुदीना, पालक, ग्रीन चिल्ली, अदरक, लहसुन एंड लेमन, जीरा पाउडर, सॉल्ट, चाट मसाला एंड कर्ड। चलिए हम बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटी में थोड़ी सी ज़्यादा लेंगे, जैसे कि हमने धनिया ये लिए, इतनी धनिया ली है, और उससे कम थोड़ा पुदीना लेंगे। पुदीना से कड़वा होता ज़्यादा डालेंगे तो, और थोड़ा सा हम पालक लेंगे। पालक से ग्रीन बहुत अच्छी होती है चटनी। और थोड़ी सी दो पीस करीब हम ग्रीन चिली लेंगे, इसमें इतनी ग्रीन चिली लेंगे 2 पीस। और थोड़ा सा जिंजर लेंगे करीब, ये हमने 15 से 20 ग्राम जिंजर है। और थोड़ा सा गार्लिक लेंगे। और चलिए इसको हम पीस लेते हैं। और चलिए थोड़ा सा हम इसमें सॉल्ट डालेंगे 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे, और थोड़ा सा कर्ड डालेंगे 4 टेबल स्पून, लेमन निचोड़ेंगे। इससे हमारी चटनी काली नहीं पड़ेगी, एकदम ग्रीन बनेगी। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको हम देन पीसेंगे, जिससे हमारी चटनी काली नहीं पड़ेगी। हम मिक्स कर लेंगे और आप हमें इसको मिक्सर में पीसेंगे तो हमारी चटनी काली नहीं पड़ेगी। और देखिए कितनी ग्रीन है चटनी हमारी। आप लोग जैसे बनाएं ऐसे बनाएंगे तो ग्रीन रहेगी। और अगर आपको तुरंत खाना है, यूज करना है, तो इसमें हल्का सा ऑनियन और डाल दीजिए। बहुत टेस्टी बनती है ऑनियन डालने से। जैसे कि आप आधी ऑनियन डाल दीजिए करीब 25 ग्राम, तो बहुत टेस्टी बनती है। हमारी ग्रीन चटनी रेडी है और इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं। और इतनी परफेक्ट एकदम बनी है जो हमने डाला था उसके अंदर, और ऐसा ऐड नहीं करने पड़ा है। तो चलिए हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक पेस्ट बता रहा आपके लिए, हमने गार्लिक लिया है और जिंजर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में होने चाहिए। हमने जिंजर ज़्यादा लिया है, गार्लिक कम लिया है। गार्लिक हमने करीब 100 ग्राम लिया है, तो जिंजर 150 ग्राम लिया है। तो चलिए हम गार्लिक जिंजर गार्लिक पेस्ट बना लेते हैं। और जिंजर गार्लिक पेस्ट हर खाने में यूज कर सकते हैं आप लोग। और हल्का सा इसमें बटर डालेंगे, ज़रा सा हम इसमें पानी डालेंगे करीब 50 ग्राम। पेस्ट बना लेंगे और जिंजर गार्लिक पेस्ट रेडी। और इतना ही मोटा होना चाहिए, ज़्यादा पतला होगा तो आपको खाना पकाने में दिक्कत जाएगी। जब आप डालेंगे तो तेल के अंदर पानी उड़ेगा, तो आप सिर्फ इतना ही पतला रखें, इससे ज़्यादा पतला ना करें। और चलिए हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट रेडी है। तो हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट रेडी, और देखिए इस तरीके से होना चाहिए, इतना ठीक होना चाहिए, इससे ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अगर आपको इससे ज़्यादा पतला होगा, जब आप तो उसको तेल के अंदर डालेंगे तो पानी के छींटे उड़ेंगे, उसमें तेल उड़ेगा, तो इतना ही पतला रखना है, इससे ज़्यादा पतला नहीं करना है। और चलिए